should be in this age that you should be able to crack MBA. This is the first renowned certificate given by the Government of India. My dear NTSC, mai aapko dusra nahi kar raha, it is conducted by the Government of India. Or isme, when you are qualified for it, you get some scholarship and blah blah blah. Okay, aap aise students nahi, you are worried for a scholarship. But this is the first certificate which you need. This is the certificate that you are among the top 3000 trainee students of this country. आपको पहला टारगेट कुछ ऐसा हो सकता है, अपने छोटे छोटे टारगेट सेट करें, एक टारगेट सेट करें कि सर मुझे ये करना है, फिर मुझे अगला टारगेट मुझे ये करना है, फिर मुझे अगला टारगेट मुझे ये करना है, ठीक है? ये तो बोलने में तो बड़ा आसान लगता है। मैं एक बार सेमिनार से निकला तो एक स्टूडेंट ने मुझसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, आई एम श्योर आप थोड़ी सब उसका आंसर दे लेंगे और ऐसी ही कुछ परेशानी आपके साथ भी होगी। बोला सर आई डोंट नो व्हाई बट पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता। ठीक है सर, ऐसा क्या करूं कि पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाए? मजबूरी है, सिर्फ पढ़ना पड़ रहा है, जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है, मम्मी पापा धक्का देंगे भेज देते हैं इसलिए पढ़ना पड़ता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? हाँ चलो, तो जिन्होंने यस बोला है इन लोग आंसर सुनो। मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। अच्छा मैं आप लोग में से छह छह बच्चों के दो ग्रुप बनाओ और उनके क्रिकेट मैच खेलाऊ, खेलोगे? इंटरेस्ट के साथ। मालूम क्यों? आपको लग रहा है कि मेरे सामने एक टीम है, हमको थोड़ा अच्छा खेलना ताकि इसको हरा दूं। यू हैव अ टीम। पढ़ाई इंटरेस्टिंग नहीं है बिकॉज यू डोंट हैव एनी, माय डियर, कड़वी सच्चाई है बट एक्सेप्ट करो, यू डोंट हैव एनी मोटिवेशन कि मैं पढ़ता क्यों हूं। कड़वा है बट यही सच्चाई है, तुमको पता ही है तुम पढ़ते क्यों। तुम रोज सुबह स्कूल के लिए तैयार होते हो, बैग लेकर के आते हो, यू डोंट नो दैट व्हाई यू आर कमिंग टू स्कूल, आप भूल चुके हो इसको। इस पर एक एग्जांपल याद दिलाता हूं, बड़ा अच्छा एग्जांपल था, मैं अपने ऊपर ही कोट करके आपको प्रेजेंट करता हूं, शायद मेरी